गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि उड़ना है आसमान में चाहे 100 बार गिरना क्यों ना पड़े, कि उड़ना है आसमान में चाहे 100 बार गिरना क्यों ना पड़े, और ज़िंदगी में होना है कामयाब चाहे खुद से ही लड़ना क्यों ना पड़े। तो नमस्कार बेटा। तो टॉपिक हमारा चल रहा है रियल नंबर्स, और रियल नंबर से आज हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले 2 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सोल्व कर ली है। तो आज जो है रियल नंबर्स पे ये हमारा 3rd लेक्चर है। कोशिश करेंगे कि लगभग कम टाइम में ही इस कंप्लीट एक्सरसाइज को कर लें। और आज हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, जैसे रूट वन है, रूट वन को सोल्व करते हैं तो 1 आता है जो कि एक रैशनल नंबर है। रूट टू है, सोल्व करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू नहीं आती तो वो इरेशनल है, ठीक है। रूट थ्री इरेशनल, रूट फोर रैशनल आ गया क्योंकि कंप्लीट रूट निकलता है। रूट फाइव ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा आगे अब हमने उसका प्रूफ देना है, ठीक है ना। हमने प्रूफ करना है कि क्यों रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए मेथड क्या है, मेथड का नाम है बेटा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसी चीज़ को मानना और उसको फिर क्या करना है, उसके विपरीत हम प्रूफ करते हैं कि उसको जो हम मान के चले थे वो नहीं, उसके अपोजिट में जो है नंबर सिद्ध हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बार मूवीज में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना जज के सामने कि चलो मान लिया कि ये शख्स गुनहगार नहीं है, कि चलो मान लिया कि ये शख्स गुनहगार नहीं है, एक मिनट के मान लिया जाए इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मौका वारदात पे इसका मोबाइल वहाँ क्या कर रहा था, इसका पर्स वहाँ क्या कर रहा था, इसका आई कार्ड वहाँ क्या कर रहा था, और इसका और अदर जो भी इसका सामान है वो वहाँ क्या कर रहा था, और ये सारी चीज़ें बयां करती हैं कि मुजरिम जो है गुनहगार है, ठीक है ना, वो निर्दोष नहीं है। तो सेम वही बात हमने मान के चलनी है। स्टार्टिंग में हम क्या मान लेंगे कि रूट फाइव जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही है कि प्रूफ कीजिए कि रूट फाइव जो है एक इरेशनल नंबर है। और बच्चों मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कहूँ ना तो यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर एग्जाम्पल है जिसमें प्रूफ करना है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम में या तो 5 नंबर में आता है या 3 नंबर, दोनों ही बोर्ड HBSC और CBSE बोर्ड में, ठीक है। क्या क्या है, टू प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, मेथड कौन सा यूज करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो क्या करोगे, प्रूफ यहां से स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना, ध्यान से देखना है एक स्टेप को। लेट किया सबसे पहले, लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रूट फाइव को हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है ना। बट रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें कहती है कि रेशनल नंबर इट इज़ अ पी बाय क्यू फॉर्म एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हम कह सकते हैं, लेकिन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन कैसे कहती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो गया रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी कोमा बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी आर को प्राइम, ए बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है ना ए और बी का वो क्या होगा, 1 होगा। तो यूं कह सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ये हमें को प्राइम कहता है, ठीक है। तो ये बात हमने मान ली। अब जो मानना है ना उसके अपोजिट प्रूफ करना है बच्चों, उसका उल्टा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या किया हमने, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया। रूट डिवाइड में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया रूट फाइव इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया, यही हो गया ना। स्केयरिंग कर दी मैंने दोनों तरफ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कि दोनों तरफ स्केयर करने पर, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास 5b² और यहाँ पर कितना हो गया, a² हो गया,
ठीक है ना, क्योंकि इसका स्केयर करूंगा, रूट फाइव का स्केयर कितना होता है बच्चों, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ गया कि बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बाय में फाइव आ गया, यही आ गया ना, बी स्केयर ये फाइव मल्टीप्लाई में था इस साइड आके फाइव से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हेयर ए स्केयर इज डिविजिबल बाय फाइव, कि ए स्केयर पाँच से भाग होता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हेयर ए स्केयर इज डिविजिबल बाय फाइव, ठीक है, कि ए स्केयर क्या है पाँच से भाग होता है, तो देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव, तो ए भी क्या होगा पाँच से भाग होगा, ये बात समझ में आई आपको। सपोज करो ए स्केयर की वैल्यू सपोज करो मैंने मान ली 25, ठीक है ना, मैंने लिखा कि ए स्केयर पाँच से डिवाइड होता है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, और यदि मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, तो फाइव भी तो फाइव से भाग होगा ना भाई, ठीक है, यही मैंने क्या कराया है इनवर्ट्स में लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, अगर ए स्केयर पाँच से भाग होता है तो ए भी पाँच से भाग होगा, ठीक है, अगर ए स्केयर सात से भाग होता है तो ए भी सात से भाग होगा, अगर ए स्केयर तीन से भाग होता है तो ए भी तीन से भाग होगा। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, जब ए हमारा किससे भाग होता है पाँच से भाग होता है, तो इसका मतलब ये लिखा जाएगा दैट इज ए इज इक्वल टू फाइव, कॉन्स्टेंट को सी ले लेते हैं, के भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू फाइव सी लेने का मतलब फाइव जहां मल्टीप्लाई में है इस साइड आके डिवाइड में, यही तो रूल है कि ए इज डिविजिबल बाय फाइव, तो मैथमेटिकली उसको हम ऐसे लिखेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया, क्या किया कि पुट ए इज इक्वल टू कितना 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, कि a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या कहती है कि b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर और a की जगह 5c, तो 5c का होल स्केयर और डिवाइड में कितना है बच्चों 5 है, ठीक है, तो ध्यान दें कितना हो गया सोल्व किया तो b स्केयर और ये हो गया 5 का स्केयर 25 और c स्केयर और डिवाइड में 5 से ये कैंसिल हो गया ना, ये 5 मल्टीप्लाई में है बच्चों, इस साइड आके कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया, सेम वही कंडीशन आ गई, यहाँ से क्या आ गया कि हेयर b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, हेयर b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो then b is also divisible by 5, अगर b स्केयर 5 से भाग होता है तो b भी 5 से भाग होगा, तो दैट इज कैसे लिखोगे इसको, दैट इज लिखा जाएगा b इज इक्वल टू 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट d, तो बच्चों ध्यान से देखो a के तो फैक्टर आए हैं 5 इंटू में c, लेकिन b के फैक्टर क्या आए हैं 5 इंटू में d, और कॉमन फैक्टर दोनों का कितना आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया 5, मान के क्या चले हैं 1, लेकिन इनका तो कितना आ गया 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि हेयर कॉमन फैक्टर ऑफ a कोमा b इज 5, ठीक है ना, hence it is a contradiction, ये क्या आ गई, एक contradiction आ गई, ठीक है ना, जो मान के चले थे उसके विपरीत आ गया, विरोधाभास आ गया, hence it is a contradiction, therefore root 5 rational ना होके क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा, तो therefore क्या लिख देंगे फाइनली, therefore root 5 इज अ irrational number, तो मेरे लाडलो इतना काम आपने करना है, 5 नंबर आ जाएंगे आपके।
ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन है ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अरे भाई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे काम करना है, उस डेफिनेशन को आपने क्या करना है कॉन्ट्राडिक्शन में कन्वर्ट करना है बस, ठीक है ना। मान लिया रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ए बाई बी फॉर्म का होता है, जहाँ बी हमारा नॉन जीरो होता है और ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम कहते हैं, रेशनल नंबर कहता है। बस रेशनल नंबर ए और बी यदि को प्राइम है कॉमन फैक्टर वन होगा, वन के अलावा कुछ और ही तो दिखाना है ना। एक और बात मैं बता दूँ, रूट फाइव है तो कॉमन फैक्टर फाइव आ जाएगा, ए और बी का रूट थ्री है तो कॉमन फैक्टर थ्री आ जाएगा, रूट टू है तो कॉमन फैक्टर टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और फिर आप अपने आप से निकाल के देखें, फिर भी नहीं दिन समझ में आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है ना। और फिर या इस स्क्रीनशॉट से आप इसको मैच कर लें, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अरे डस्टर कहाँ रख दिया भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या क्या कहा है इसने, जल्दी से मैथ उठाएं और स्टेटमेंट में ध्यान दें। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है ना उनमें इतनी बड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इतना ज़्यादा मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें कि मैं थोड़ा मतलब ये सब को प्राइम वगैरह और डिविजिबल बाय वगैरह का आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या है, प्रूव दैट रूट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, क्वेश्चन नंबर अब हम हैं सेकंड में। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, और क्या सिद्ध करना है कि थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ, ठीक है ना। क्या किया, लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल नंबर, सेम काम वही, रेशनल नंबर, ठीक है। तो दैट इज क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी। हेयर ए एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि बी जो है वो ही सेम बात, नॉट इक्वल टू जीरो, ए कोमा बी आर को प्राइम, ये भी लिख दें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमें करना क्या है, हमने खाली रूट फाइव को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसमें वो सब नहीं करना स्केयर वगैरह, ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद ये हो गया मेरे पास टू रूट फाइव, एलसीएम आ गया बच्चों इसका बी, और ए माइनस में कितना हो गया, थ्री बी हो गया, ठीक है। और रूट फाइव इसको मैं इस साइड लेके चला जाऊँ तो a माइनस थ्री बी और 2 इस साइड आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, a बाय बी हमारे पास क्या था, एक रेशनल नंबर था, क्या था, एक रेशनल नंबर माना था, और रेशनल नंबर में कुछ भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं मान लिया उसी से मल्टीप्लाई वगैरह करके रेशनल नंबर से ही, तो वो रेशनल नंबर ही रहता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या कहती है कि रूट फाइव, रूट फाइव को हमें पता है क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, हेयर यहाँ पर आ गया कि रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, या आप लिख दें वी नो दैट लिख दें, बल्कि हेयर की बजाय वी नो दैट हम जानते हैं कि रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। देयरफोर क्योंकि ये इसके इक्वल है तो a माइनस थ्री बी बाय में टू बी इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, मान के क्या चले थे, रेशनल, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, यह है एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस क्या करना है, हैंस थ्री प्लस टू रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, ये करना है बस इसमें, ठीक है ना। इसमें यानी कि उतना बड़ा काम नहीं है जितना पहले वाले में था,
ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको ए बाय बी की फॉर्म में मानिए, रैशनल मानिए, और उसमें से जो रूट वाली स्टेटमेंट है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए, और फिर लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि रूट वाली जो भी स्टेटमेंट है वो इरेशनल है, तो राइट हैंड साइड में जो भी स्टेटमेंट है वो भी इरेशनल होगी, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीन पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट आपने सेम मेथड से करने हैं। कोई भी एक पार्ट मैं थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हालांकि लिखना बिल्कुल सेम यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों के दोनों ही आपस में क्या है, एक तरह से एक दूसरे के ब्रदर हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट, थर्ड का कौन सा सेकंड पार्ट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि सेवन रूट फाइव इज इरेशनल। बिल्कुल सेम है, कुछ भी तो नहीं है अलग, इरेशनल, ठीक है। सबसे पहला काम वही, लेट सेवन रूट फाइव इज रैशनल नंबर, क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। तो देन क्या होगा, सेवन रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी कोमा बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऑल्सो ए बी आर को प्राइम, ए बी आर को प्राइम की दोनों के दोनों को प्राइम है, ठीक है, ओके। रूट फाइव एज इट इज ए बाय में सेवन इस साइड आके कहाँ आ गया, डिवाइड में, ठीक है ना। ए बाय बी हमारे पास रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर को किसी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल नंबर से तो वो रैशनल ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम वही बात, वी नो दैट हम जानते हैं कि रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देन क्या होगा, a बाय में सेवन बी इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, और ये क्या आगे हमारे पास, मान के चले थे रैशनल, ठीक है ना। इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये है एक क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है ना। हैंस लास्ट में लिखना क्या है, बस हैंस सेवन रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो कर लेंगे ना इस तरीके से। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 1.3, जो कि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, लेकिन छोटी ही एक्सरसाइज में ही हमने इसमें बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। तो बच्चों एक एक्सरसाइज और रहती है इसकी, कौन सी, एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लेक्चर और होगा हमारा रियल नंबर्स पे, और उसके बाद रियल नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।